गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित और योगेश गुप्ता सर अपने साथ हैं। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जिस परीक्षा का इंतजार आप लोगों ने 3 साल किया, RRC ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, उसका एग्जाम कल यानी कि 17 अगस्त से शुरू हो रहा है 3 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट जो छूटेगी वो 10:30 बजे के आसपास छूटेगी, दूसरी शिफ्ट छूटने की टाइमिंग 2:15 की, और तीसरी शिफ्ट छूटने की टाइमिंग होगी 6:30 बजे। तो आप लोगों को परीक्षा देते समय और परीक्षा हॉल में पहुंचते से पहले किन किन सावधानियों को बरतना है, उसके लिए वीडियो है। प्रॉपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी और बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगली आवाज़ सर की। देखिए, एक चीज़ और है, जिन भी बच्चों ने रेलवे पाठशालाओं को हमेशा सपोर्ट किया और रेलवे पाठशाला से तैयारी की, तो ये वीडियो केवल वही बच्चे देखेंगे। क्योंकि आप लोग ये मत सोचना कि फालतू के कमेंट करना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तो बस जिनको ये लगता है कि हाँ अनुराग सर और मुझसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे वो किसी भी तरह से सीखा हो, तो एग्जाम देने से पहले 5 मिनट जरूर इसको कंप्लीट देखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रॉफिट करेगा। अगर आपने इसको नहीं सुना, और केवल वही लोग सुने जो रेलवे पाठशाला के यूजर है, सब्सक्राइबर है, जो परिवार का हिस्सा है ना। चलिए अब मैं कुछ बातें आपको बता दूँ, क्योंकि ये तो भाई देखो सबको पता है कि आपको एग्जाम जो देने जाना है तो आपको पहले से पहुंचना है। पहले से मतलब ये है कि आप अगर 1 दिन पहले पहुंचते सेंटर में तो अच्छी बात है, अगर 1 दिन पहले नहीं भी पहुंच पाते तो एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले आप पहुंच जाओ, ताकि किसी भी वजह से किसी तरह का कोई भी लेट ना हो। होता क्या है कि आप सब लोग दूसरे शहरों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो, है ना। कहाँ से क्या मिलना है, कहाँ से कौन सी टेम्पो मिलनी है, कौन सी बस मिलनी है, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है दिक्कत में हो, तो हम लोगों को पहले से टाइम लेके चलना है। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा और बताते हैं कि हम लोग अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, ताकि हमें एक बढ़िया सा अटैम्प्ट तक पहुँच सके। ठीक है, जरा 2 मिनट मेरी बात को सब लोग सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है कि RRC जो ग्रुप डी की परीक्षाएं हैं उसमें पूरे के पूरे आने हैं 100 क्वेश्चन। हालांकि हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का, डेट आ रही 17 अगस्त। काफ़ी अच्छा लगा सुन के। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी सोचते हो रहे कि डेट कहीं बढ़ रही होती, तैयारी और होती। भैया उनके लिए 2025 में भी डेट होती तब भी तैयारी नहीं हो पाती। देखिए, 100 क्वेश्चन आपके आने हैं बच्चा। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन जो आने हैं उसमें तुम्हारा GK हो रहा, उसमें तुम्हारा साइंस हो रहा, उसमें मैथ हो रहा, उसमें रीजनिंग हो रहा, और सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी कोई पेपर होता है 100 क्वेश्चन का, आप रेलवे छोड़िए, आप SSC ले लीजिए, आप बैंक ले लो, आप किसी भी तरह का पेपर ले लो, कोई भी कंपनी जब पेपर कराती है, चाहे वो TCS हो या कोई अन्य कंपनी हो, हमेशा अपने पेपर को 2 स्टैंडर्ड में डिवाइड करती है। 2 स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अगर आपके 100 क्वेश्चन टोटल आने हैं तो उसमें से 80% या आप मानिए 70-80% ये वो क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे आसान होते हैं। 70-80 वो क्वेश्चन होते हैं जो पूरी तरह से कैसे होते हैं, आसान होते हैं ना। अब वो अलग बात है, कि 70% क्वेश्चन किसी को आसान लगेंगे तो किसी को 80% क्वेश्चन ज्यादा आसान लगेंगे। बाकी 20-30% क्वेश्चन होते हैं ना, वो टफ होते हैं, ये हार्ड लेवल के होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 20-30% जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व कर लेता है, ये क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व करता है ना, लगभग सिलेक्शन उसी के पायदान में जाता है, उसी के पाले में जाता है। ठीक है, अब मुद्दे की मैं बात बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप पेपर देने जाते हो और अगर आपकी किस्मत खराब रही और ये 20-30% जो क्वेश्चन है ये आपको स्टार्टिंग में मिल गए, अगर ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मिल गए और आपका जो है फोकस जो है इन्हीं 20-30% क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो गया ना, तो भाई साहब सिर्फ ये 20-30% क्वेश्चन ही आपका पूरा पेपर चौपट करने के लिए पर्याप्त है। आप आसान क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे जो दूसरा लोग कर ले रहा, फिर कहोगे ओ भाई 95 क्वेश्चन इतना आसान था, मुझसे नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करना ना। तो हम लोग को क्या करना है कि पेपर को हमेशा 2-3 अटेम्प्ट में करना है, 2-3 अटेम्प्ट आपको करना ही करना है। ये 2-3 अटेम्प्ट का क्या मतलब है, पेपर को एक बार में नहीं करना, पेपर को कम से कम जो है आपको करना है 2-3 अटेम्प्ट में। अभी 2-3 अटेम्प्ट का क्या मतलब है मैं बता देता हूं। हाँ, तो 2-3 अटेम्प्ट का क्या मतलब है कि 100 क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन को आपको जब पहला अटेम्प्ट आपका होगा तो पहले अटेम्प्ट में एक बार लगातार डेट डालिए। लगातार डेट डालने पे क्या होगा कि ये जो 70-80% क्वेश्चन है ना आसान, उनमें से लगभग 60 क्वेश्चन आप पूरा तरह से सॉल्व कर चुके होंगे। यकीन मानो, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लगेगा पहले अटेम्प्ट में और आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके होंगे। अब बाकी बचे देखो आपके 30-40 क्वेश्चन। अब ये जो 30-40 क्वेश्चन बचे हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं,
30 से जो 40 क्वेश्चन बचे हैं ये हम लोग अगले 30 मिनट में सॉल्व करेंगे। तो बच्चा अगले 30 मिनट में हम लोग बाकी बचे 30 से 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि 40 क्वेश्चन ना हो पाए, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आप 20 से 30 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो अगले 30 मिनट में। अब टोटल अगर देखा जाए तो 60, 20, 80, तो टोटल जो आपका सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा इस परीक्षा के लिए, आपका जो सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा वो आपका रहेगा 80%। मतलब अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा में 80% क्वेश्चन को आंसर लगा के आते हो तो फिर आपका ये सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, इससे आपका सिलेक्शन एकदम श्योर होगा। तो आपको पेपर कभी ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा है ज्यादा समय देना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस एक शिफ्ट में अटेम्प्ट करना है और उसके बाद कह सकते हो जब दूसरा हम लोग अटेम्प्ट लगाएंगे तो हम लोग हार्ड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगली आवाज अनुराग सर की। अब थोड़ी सी बात टाइम मैनेजमेंट की कर लेते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अगर हर एक सेक्शन अलग अलग आना होता कि मैथ अलग आ रही, रीजनिंग अलग आ रही, जीके जीएस अलग आ रही, तो उसमें आपको एक डिसाइड हो जाता है कि मैथ्स के लिए सर मैं इतना टाइम दूंगा, जीएस के लिए इतना टाइम दूंगा और रीजनिंग के लिए इतना टाइम दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन दिखेंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट मिला हुआ है। अब इन 100 क्वेश्चन में टाइम का निर्धारण कैसे करें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप 35-35 क्वेश्चन के स्लॉट बनाइए, 35-35-30। अब हो सकता है इन 35 शुरुआत के क्वेश्चन में मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा हो, रीजनिंग के ज्यादा हो, जीएस जीके जीएस के ज्यादा हो, तो आप इन ऐसे नंबर के क्वेश्चन स्लॉट बना लीजिए और आप ये देखिए कि ये 35 क्वेश्चन शुरुआत के मुझे 30 मिनट में करने हैं, दूसरे क्वेश्चन भी मुझे 30 मिनट में करने हैं और लास्ट के 30 क्वेश्चन भी मुझे 30 मिनट में ही करने हैं। अब ये बात कंफर्म है कि जिसमें जैसे कि इस 35 के सेक्शन में अगर मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा है तो हो सकता है इस 30 मिनट का कुछ टाइम इसमें भी ऐड हो जाए, लेकिन अगर मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन इसमें आए इस वाले पहले वाले स्लॉट में तो निश्चित तौर पर दूसरे स्लॉट में कम होंगे, तीसरे स्लॉट में उससे भी कम होंगे। तो आप एक अपना ऐसा टाइम बनाइए, जरूरी नहीं कि आप 35-35-30 क्वेश्चन स्लॉट का ही टाइम बनाइए और उसके लिए 30-30 मिनट ही दीजिए। आप अपने हिसाब से जिस चीज़ में आप ये सफल महसूस कर रहे हो, ये पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर में शुरुआत में क्या है, उसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना होगा। पेपर जब आप देखोगे तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये मैं आगे आने वाले 30 सेकंड में या 20 सेकंड में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये डिपेंड उस पर करता है। ठीक, अब जैसा कि सर ने कहा था कि अगर किस्मत की ही बात ऐसी आ जाती है कि मैथ्स के मान लीजिए 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले ही स्लॉट में आ गए, तो यहाँ पर भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आ गए बाकी बचे भी आगे के क्वेश्चन होंगे, 100 में से अगर 20 क्वेश्चन टफ भी हो गए इसका मतलब 80 क्वेश्चन है ना आपके पास अभी, और अगर आप 80 पूरे के पूरे सही कर लेते हैं ना सर, तो आप सेफ जोन में तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, आपका सिलेक्शन कोई माइका लाल रोक ही नहीं पाएगा, जोन कोई भी हो। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा और सेंटर पे एक दिन पहले पहुंचेगा और सेंटर जरूर देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, चलिए इन बातों के साथ, इन चीज़ों के साथ आपको पेपर अच्छे से देना है, अपने सपने और अपने साथ साथ माता पिता के सपनों को भी पूरा करना। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में, जिनका पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट में है, जिनका पेपर कल फर्स्ट शिफ्ट में है, वो सब लोग आप इस नंबर पे अपना रिव्यू जरूर दीजिए, मतलब 85-45-94-47 इस पर आप कॉल करके अपना रिव्यू दीजिए कि आपका पेपर कैसा हुआ, कैसे प्रश्न आए थे, है ना। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सब लोग ये लीजिए सर, हाँ किसी भी नंबर पे आप कॉल करके अपना रिव्यू दीजिए। और मेरी फिर से मैं बता दूं कि मेरी 3-4 सालों से एक ही तमन्ना थी और तमन्ना ये रही है कि जो भी टॉप के 1000 स्टूडेंट हो रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो रेलवे पाठशाला के ही स्टूडेंट हो, है ना। तो पेपर तो आपको अच्छे से करके आना है, मतलब अच्छे का मतलब ये है कि एक बढ़िया सा रैंक बनानी है, 80+ नंबर 90+ नंबर इतना तो आपको गेन करना ही करना है। बाकी रैंक बनाना एक अलग चीज़ होती है और सिलेक्शन एक अलग चीज़ होती है, सिलेक्शन तो आपका काफ़ी कम नंबरों में भी हो जाएगा, रैंक आपको बनाना है तो 85+ 90+ 80+ तो लाना ही पड़ेगा। रैंक यहाँ के बच्चे बनाएंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग आपको एक बेस्ट विशेष देते हैं, पेपर अच्छे से दीजिए, रैंक फोड़िए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।